जेठालाल और दया को देखना हर किसी को पसंद है। जी हाँ, हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल के सबसे पसंदीदा कलाकारों के बारे में बात कर रहे हैं। 14 साल से तारक मेहता शो अपने दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से टीआरपी के मामले में तारक मेहता का उल्टा चश्मा बाकी शो से पीछे चल रहा है। शो के डायरेक्टर मालव राजदा ने शो को लेकर एक पोस्ट अपने ऑफिशियल इंस्टा पर फैंस के साथ शेयर किया था, जिसमें उन्होंने जेठालाल की एक फोटो पोस्ट की थी। साथ ही कहा था, दोबारा नंबर वन शो बनकर उभरे। इसी के साथ ही उन्होंने ऑडियंस को शुक्रिया कहा था। अब एक बार फिर से मालव राजद ने तारक मेहता की पॉपुलैरिटी से जुड़ा एक पोस्ट किया है। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें अनुपमा और तारक मेहता शो के बीच मुकाबले की बात कही गई है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में तारक मेहता के डायरेक्टर ने लिखा, हमारा किसी से मुकाबला नहीं, हम अपने शो के लिए खुश हैं। बता दें कि 14 साल से चलने वाले शो के भी अपने लॉयल फैंस हैं, जो कभी तारक मेहता शो का पीछा नहीं छोड़ते। वहीं स्टार प्लस का शो अनुपमा की रेटिंग इस वक्त कमाल की है। शो अनुपमा ने लगभग सारे शोज को पीछे छोड़ते हुए नंबर एक स्थान पर अपनी जगह बनाई है। कुछ वक्त पहले मालव राजद ने एक रिपोर्ट शेयर की थी, जिसमें तारक मेहता शो को नंबर वन स्थान पर बताकर सबसे पॉपुलर शो होने का ऐलान किया था। इसके अलावा और मैक्स मीडिया वेबसाइट के मुताबिक शो तारक मेहता को मोस्ट लाइक टीवी शोज में पहला स्थान दिया गया था। ये 3 से 9 जनवरी की वीकली रिपोर्ट थी, जिसे देखकर तारक मेहता के डायरेक्टर इस बात की खुशी मनाते दिखे थे। डायरेक्टर ने तब कहा था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बार फिर से अपनी खोई हुई पोजीशन पर वापस आ खड़ा हुआ है। इस लिस्ट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को पहला पायदान पर खड़ा किया गया था, वहीं रूपाली गांगुली के शो अनुपमा को दूसरा स्थान दिया गया था। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।